उत्तराखंड के हल्द्वानी से 3 पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, जबकि एक महिला पत्रकार अभी भी फरार चल रही है। तो पूरा मामला कुछ यूं है। पुलिस बहुउद्देशीय भवन में SP क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि 17 मई को बाजपुर निवासी समाचार नेशन चैनल का स्टेट ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह पन्नू सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में गया। इस दौरान उसने प्रधान सहायक उमेश चंद्र कोठारी से मुलाकात कर कहा कि वो ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है और बी क्लास के लिए क्या प्रक्रिया होगी। इस पर कोठारी ने तो उसे सारे नियम बता दिए। तो आरोपित पन्नू ने शॉर्ट में काम करने की बात कहकर लेन देन की बात कह दी। कोठारी ने उसे कुछ रुपए खर्च करने की बात कही। पूरी बातचीत का आरोपित ने बकायदा वीडियो बना लिया। अगले दिन भूपेंद्र अपने साथी रुद्रपुर निवासी व समाचार नेशन चैनल के SIT हेड सौरभ गाबा के साथ कोठारी के ऑफिस आ धमके और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। और इस बीच प्लानिंग के तहत नोएडा निवासी पत्रकार महिला साक्षी सक्सेना व गुलर भोज निवासी काश्तकार सुंदर सिंह पहुंचे और दोनों ने खुद को विजिलेंस का अधिकारी बता दिया। इस बीच महिला ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। कथित पत्रकारों ने मामला रफा दफा करने पर 1 लाख रुपए मांग लिए। बदनामी के डर से कोठारी ने कर्ज लेकर रुपए दे दिए। आरोपित को पन्नू के ससुराल चंपावत जिले के मनिहार गोठ टनकपुर से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 90,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में एक बात और सामने आई कि साक्षी को सबसे अधिक पैसे मिलने वाले थे 45,000 रुपए। ये रुपए भूपेंद्र के कब्जे से बरामद हुए हैं। मीडिया का ID कार्ड भी बरामद हुआ है। वहीं सौरभ के पास 23,000 रुपए मीडिया का कार्ड और सुंदर के कब्जे से 22,000 बरामद हुए हैं। जबकि नोएडा निवासी साक्षी सक्सेना की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। आरोपित ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन साक्षी उनके साथ रुकी थी और अगले दिन नोएडा के लिए रवाना हो गई थी। पुलिस मुख्य आरोपित को एक चैनल का स्टेट ब्यूरो चीफ बता रही है, जबकि दूसरा पत्रकार इसी चैनल में SIT हेड है और तीसरा आरोपित काश्तकार व चौथी फरार महिला नोएडा की है। मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम को IG कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने 10,000 व SSP पंकज भट्ट ने 5,000 रुपए की इनाम देने की घोषणा भी की है। जिम्मेदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया, जिसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास से है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 IPC में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में। इस टीम ने इन 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख में से 90,000 रुपये इनके पास से बरामद किए। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू, ये ऊधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी ऐसे अभियुक्त पंजीकृत हैं। सौरभ गाबा जो दूसरे नंबर के अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी करीमनगर थाना हैदराबाद में एक रंगदारी का प्रकरण है, जिसमें ये जेल गए थे। तीसरा अभियुक्त जो सुंदर था वो गुलर भोज का रहने वाला है और इनका दोस्त था, वो गाड़ी लेकर आया था। इसमें 90,000 रुपये और इस घटना में प्रयुक्त वैगनार कार को बरामद कर लिया गया है। इन तीनों को ही आज गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन तीनों ने ही और इनके जो महिला मित्र साक्षी सक्सेना है, जो कि नोएडा की रहने वाली है, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुई है, इन चारों ने मिलकर ये इस कार्य को अंजाम दिया। इसमें इन्होंने LIV ली, इन्होंने जो बात कही कि हम विजिलेंस से आए हैं और विजिलेंस की टीम आपको गिरफ्तार करने जा रही है। इस ढंग से दरा धमका कर ये कृत्य को अंजाम दिया।